हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री के क्रम में हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मौर्य वंश का उदय होता है या फिर मौर्य वंश जो है स्थापित होता है, और साथ ही हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आता है, जिसने अपनी तलवार के नोक पर अधिकांश भारत को रौंद डाला था, या फिर कहें तो अधिकांश भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो चलिए वहीं से इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने क्या क्या कार्य किए, और किस प्रकार से जब सिकंदर भारत में आया था और सिकंदर 325 ईस्वी में भारत से वापस लौट रहा होता है, तो कुछ जीते हुए अधिकांश भाग जो थे सिकंदर द्वारा, जब राजा पौरुष के साथ उसका युद्ध होता है, तो उन जीते हुए भागों पर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को राज्य करने के लिए छोड़ जाता है। तो जब सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर राज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सेल्यूकस निकेटर का जो राज चलता था तक्षशिला कहें या फिर कांधार और खैरात वाले जो इलाके में सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो राज करता था, उस राज्य पर आक्रमण कर देता है और उसको जीत लेता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से 298 बीसी तक जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक रहता है, उसी में 305 ईसा पूर्व जो है, या फिर कहूँ तो 305 बीसी में वह क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण कर देता है, तो सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और उनके साथ जब वह पराजित हो जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की एक संधि होती है। तो जिस संधि में सेल्यूकस निकेटर जो है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को ओनली 500 हाथी जो हैं दान में दे देते हैं। तो इनके बीच एक संधि हुई थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, जिसमें के 500 हाथी दान में दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के बदले यह ले लेते हैं खैरात, कांधार, काबुल और मकरान वाले इलाके को। तो चंद्रगुप्त मौर्य की संधि में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे देता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और साथ में ही कांधार, काबुल, साथ में मकरान और खैरात के प्रदेशों को ले लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ ही साथ और क्या करता है, तो जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में यह भी देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने दरबार में मेगास्थनीज को बुला लेता है, तो यह मेगास्थनीज जो था एक यूनानी इतिहासकार था जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। तो इस संधि में क्या करता है, उसी मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य अपने दरबार में लेकर आ जाता है। इसके बावजूद एक और संधि होती है जिसको हम बोलते हैं वैवाहिक संधि। तो वैवाहिक संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लेता है, और इस प्रकार से वैवाहिक संबंध जो है वह भी इनके साथ बन जाते हैं। तो हमने देखा 500 हाथी मात्र जो है सेल्यूकस निकेटर को दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, साथ में ही कांधार, काबुल, खैरात और मकरान वाला इलाका जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है, और साथ में ही उसकी पुत्री हेलेना जो थी उसका भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है, जिसके माध्यम से जो भाग जो है सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत आता था वह हो जाता है अब किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इन चीज़ों को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बंगाल तक अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर लेता है। तो हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने इतना विशाल साम्राज्य जो है अपने कब्जे में कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, और हमने यह भी देखा है कि 298 बीसी तक ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन में रहता है। तो अपने शासन या फिर अपने प्रशासन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो अपने शासन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है, और जैन धर्म को स्वीकार करने के साथ ही जो जैन धर्म की दिगंबर शाखा थी, तो जैन धर्म की दिगंबर शाखा के भद्रबाहु से मिलता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दिगंबर शाखा के भद्रबाहु से मिलता है, और उन्हीं के साथ वह कर्नाटक चला जाता है, अर्थात कहें तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में चला जाता है, और कर्नाटक में एक जगह होती है श्रवण बेलगोला।
तो कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में अपने भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है और वहां पर कर लेता है जैन धर्म को स्वीकार। तो इसके बाद क्या होता है, जब यह जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है तो जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं संथरा विधि, संकेलना विधि, या फिर कहीं कहीं पुस्तकों में आपको संचेलना विधि के नाम से भी यह जानने को मिलेगी। तो संथरा विधि कहूँ, संकेलना कहूँ, या फिर मैं कहूँ संचेलना विधि, तो इस विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने प्राण त्याग देता है। अगर मैं बात करूँ इस विधि में होता क्या है, तो बेसिकली इस विधि में भूखा रहकर जो है व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। तो वही जो है भूखा रहकर, इसी विधि को कहते हैं संथरा विधि या फिर संकेलना विधि। तो इसी विधि के माध्यम से भूखा रहता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का 298 BC में शासन जो है समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद उनके पुत्र बिंदुसार जो है राजगद्दी पर बैठते हैं। तो मौर्य वंश का एक और शक्तिशाली शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उभर कर आता है। तो बिंदुसार 298 BC में राजा बनते हैं, या फिर कहूँ तो राजगद्दी पर बैठते हैं, और 273 BC तक वह राज करते हैं। बिंदुसार 297 या फिर 298 BC से लेकर 273 BC तक राज करते हैं। तो बिंदुसार ने किया क्या था बेसिकली, तो बिंदुसार ने जो उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, उस साम्राज्य को भली भांति बनाए रखने में सक्षम होते हैं कौन, बिंदुसार। तो यह बिंदुसार जो है इतने बड़े शासन को, जो प्रशासन था जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चलाया जाता था, उसी के अभिलेखों पर या फिर उसी के लक्ष्य कदमों पर उस शासन को आगे प्रगति में बढ़ाए रखते हैं। अगर मैं बात करूं बिंदुसार की, तो बिंदुसार के नाम में अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन दिया है, कहीं इसको बिंदुसार कहा गया है। साथ ही मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है। तो सिंहसेन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो सिंहसेन कौन थे, तो सिंहसेन ही कौन थे, बिंदुसार थे। और सिंहसेन कहाँ नाम दिया गया है, तो यह दिया गया है जैन ग्रंथों में। उसके बाद मैं बात करूं तो बिंदुसार का एक और नाम होता है, वह होता है अमित्रघात। तो बिंदुसार का एक नाम होता है अमित्रघात, जिसका मतलब होता है कि शत्रु विनाशक। तो शत्रु विनाशक के नाम से भी बिंदुसार को जानते थे। और अमित्रघात जो है, यह शब्द का प्रयोग जो बिंदुसार के लिए किया गया है यूनानी पुस्तकों में या फिर यूनानी लेखों में। तो इसके दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक आता है सिंहसेन और दूसरा आता है अमित्रघात। अब हम बात करेंगे बिंदुसार के लिए एक पंक्ति बोली जाती है जिसमें कहा जाता है कि महान पिता का महान पुत्र और महान पुत्र का महान पिता। तो यह पंक्ति जो है बिंदुसार के लिए कही जाती है क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि महान पिता का महान पुत्र, और साथ में ही महान पुत्र का महान पिता। अर्थात मैं कहूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं या फिर पुत्र होते हैं, वह कौन होते हैं, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक था, इसीलिए कहा गया है कि महान पिता का महान पुत्र। और साथ में ही बिंदुसार के जो पुत्र होते हैं वह होते हैं अशोक। तो बिंदुसार के पुत्र अशोक होते हैं जो कि एक महान सम्राट के रूप में उभर कर आते हैं, या फिर अशोक ने तो यहाँ तक के सम्राटों के सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। इसीलिए यह जो पंक्तियाँ हैं, महान पिता का पुत्र व महान पुत्र का पिता, तो महान पिता जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और महान पुत्र था वह था अशोक। और यह बात किसके लिए कही गई है, तो यह बात कही गई है बिंदुसार के लिए। अब मैं बात करूं तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बनते हैं, तो उनको शासक बनाने में जो हाथ था वह था चाणक्य नीति का। तो चाणक्य जो है अपनी कूटनीति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना देते हैं। तो यहीं पर जिस प्रकार से उसका चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध महामंत्रियों में से थे वह कौटिल्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय तक बिंदुसार के जो महामंत्री थे तो वह भी कौन रहते हैं, चाणक्य ही रहते हैं। अर्थात बाद में चाणक्य के बाद महामंत्री या फिर मैं कहूँ तो पुरोहित के रूप में बिंदुसार के लिए उनके मंत्रिपरिषद में थे खल्लाटक। तो जिस प्रकार से महामंत्री चाणक्य होते हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, उसी प्रकार से बिंदुसार के समय में खल्लाटक जो थे वह महामंत्री के रूप में पद पर स्थापित थे। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिंदुसार के समय में महामंत्री या फिर पुरोहित कौन था, तो वह था खल्लाटक, और चंद्रगुप्त मौर्य के में कौटिल्य जो थे वह महामंत्री होते थे।
बिंदुसार के बारे में हम बात करें तो बिंदुसार एक रंगीला बादशाह था और पूरी तरह से मजे लेता था और अपनी लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से जीता था। तो इसमें यहाँ यह बताया गया है कि जो बिंदुसार थे उसकी 16 पटरानियाँ हुआ करती थी। तो बिंदुसार की 16 पटरानियाँ हुआ करती थी और उनसे 101 बच्चे जो हैं बिंदुसार के होते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेना जो है उसकी तो खुद ही बन गई थी। 101 बच्चे थे किसके? बिंदुसार के। तो 16 पटरानियां और 101 बच्चे थे बिंदुसार के, जिनमें से अशोक भी एक पुत्र था। यही मैं बात करूं बिंदुसार की, तो बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था वह था सुसीम, और उसके बाद जो है अशोक भी इसका पुत्र था। तो सबसे बड़ा पुत्र जो था बिंदुसार का वह सुसीम था, और सुसीम ही इस समय तक्षशिला के राजकुमार के रूप में काम कर रहा होता है। और यह तक्षशिला कौन सा इलाका था? यह तक्षशिला वही इलाका था जहां पर कभी सेल्यूकस निकेटर का भी राज रहा था। तो यहाँ बताया जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में ही एक बार होता क्या है कि वहाँ पर छोटे छोटे आक्रमण जो है वह होते हैं, या फिर मैं कहूँ तो इस तरह की जो है गतिविधियाँ जो तक्षशिला में होने लगीं, जिनसे लिए लड़ने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। तो वहाँ की गतिविधियों के लिए या फिर बिंदुसार के शासनकाल में जो विद्रोह हो रहे थे उनके उनसे लड़ने के लिए बिंदुसार जो है अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजता है, या फिर जो सुसीम वहां रहता है तो उस समय पर सुसीम क्या करता है कि सुसीम से वह विद्रोह दबाए नहीं जाते हैं। तो सुसीम इन विद्रोहों को दबाने में असफल होता है। इसी के चलते अपने पुत्र अशोक को बिंदुसार तक्षशिला में हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए भेजता है। और यहाँ पर जब अशोक वहाँ पहुँचता है तो अशोक के द्वारा इन विद्रोहों को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। तो यहीं से एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस प्रकार से जो अशोक जो है उसने विद्रोह को दबा दिया था और उसका बड़ा पुत्र बिंदुसार का सुसीम जो है उन विद्रोह को दबाने में असफल होता है, तो यहाँ से एक बात तो निश्चित थी कि आगे भविष्य में राजा बनने की जो सक्षम था या फिर काबिलियत रखता था वह रखता था अपने 101 पुत्रों में से अशोक ही एकमात्र ऐसा था जो राजा बनने के लिए सक्षम था या फिर वह इतनी काबिलियत रखता था। तो यहाँ से एक रास्ता तो तय था कि अशोक जो है भविष्य में राजा बनना निश्चित था। उसके बाद अगर हम बात करें बिंदुसार के विदेशी संबंधों को, क्योंकि मैंने आपको बताया बिंदुसार एक तरह से रंगीला था और बिंदुसार के जो विदेशों के साथ जो संबंध थे वह भी अच्छे होते हैं। तो जिस प्रकार से मौर्य वंश में विदेशों के साथ अच्छे संबंध होते थे उसी की तरफ संकेत करते हैं बिंदुसार के संबंध। तो बिंदुसार के विदेशी संबंधों में सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ मैं बात करूँगा सीरिया की। तो सीरिया के साथ उसके एक अच्छे संबंध थे और सीरिया के शासक होते हैं एंड्रोकोर्स। तो सीरिया के एंड्रोकेट्स जो हैं एक शासक होते हैं उनको पत्र लिखता है कौन? बिंदुसार। और उस पत्र के माध्यम से तीन चीज़ों की डिमांड करता है बिंदुसार। एक होता है सूखा अंजीर, दूसरा होता है अंगूरी शराब और तीसरा होता है दार्शनिक। तो इस पत्र को प्राप्त करने के बाद एंड्रोकेट्स जो सीरिया के शासक होते हैं वह क्या करते हैं? सूखा अंजीर भेज देते हैं बिंदुसार के लिए, साथ में ही अंगूरी शराब भी बिंदुसार के लिए भेज देते हैं, लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर देते हैं। और वह लिखते हैं कि हमारी परंपरा में दार्शनिक भेजना उचित नहीं है। तो अपनी परंपरा का हवाला देते हुए सूखा अंजीर और अंगूरी शराब भेज देते हैं, लेकिन दार्शनिक को जो है बिंदुसार के दरबार में नहीं भेजते हैं। तो इस प्रकार से इनके जो विदेशी संबंध थे वह भी अच्छे होते हैं। वहीं अगर मैं नेक्स्ट विदेशी संबंधों की बात करूं तो बिंदुसार के समय ही बिंदुसार ने जो मिस्र था मिस्र के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए थे। और मिस्र मिस्र जो था उसके शासक होते हैं या फिर राजा होते हैं टॉलमी, और टॉलमी को भी यह एक पत्र लिखता है कौन? बिंदुसार। तो जब टॉलमी को पत्र लिखता है तो वहाँ से टॉलमी जो है अपने दरबार से एक राजदूत दो राजदूत जो होते हैं उनको बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। तो राजा टॉलमी ने बिंदुसार के दरबार में, मिस्र के राजा जो टॉलमी थे उन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस राजदूत को भेजा था। तो डायमेकस राजदूत जो हैं बिंदुसार के दरबार में आते हैं। तो यहाँ से अब दो प्रश्न उठते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूँ जो इतिहासकार था मेगास्थनीज वह किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज इतिहासकार था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और किसकी वजह से आया था? तो यह हुई थी संधि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। यहीं पर मैं बात करूं डायमेकस की, तो डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था और इसको भेजा था मिस्र के शासक टॉलमी ने। तो इस प्रकार से जो बिंदुसार के समय में विदेशी संबंध थे वह भी सुगम थे या फिर अच्छे होते हैं।
अब मैं बात करूंगा बिंदुसार की। तो जब बिंदुसार इतना सब कुछ कर लेता है, तो हालांकि 273 BC में बाद में चलकर बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे, जो कि यहाँ से रास्ता तय हो गया था तक्षशिला के विद्रोह को लेकर, अशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है। तो इस बीच में अशोक के राजगद्दी पर बैठने के बीच में यह जो 101 पुत्र जो मैंने आपको बताए थे कि 101 पुत्र थे बिंदुसार के, इनके बीच में जरूर युद्ध हुए होंगे या फिर असमंजस की स्थिति आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 101 पुत्रों में से अशोक ने अपने भाइयों का कत्ल करता है और खुद राजगद्दी पर बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।